हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट इसमें जो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सिक्स हैं दोनों ही सेम हैं अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी अपने आप समझ में आ जाएगा और तीन है हमारे एम लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द तो कोन तो सेमी वर्टिकल एंगल को मैंने इस क्वेश्चन के लिए सपोज किया है थीटा यानी कि थीटा जो कोन का है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है कोन का और गिवन स्लैंड हाइट है और थीटा जो है वो उसका टैन इनवर्स अंडर रूट टू है तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें प्रूव करना है कि जो उसका सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा वो कितना है टैन इनवर्स अंडर रूट टू है ओके तो कौन हमारी शेप है यहाँ पर उसका मैक्सिमम वॉल्यूम लेना है गिवन स्लैंड हाइट लेनी है तो ये मैंने फिगर बना दी है इसकी एल ई है स्लैंड हाइट आर रेडियस एच हाइट और थीटा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कौन हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है टैन इन वर्स अंडर मैक्सिमम वॉल्यूम ओके अब यहाँ पर हम यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कितना होता है वन बाई थ्री पाई आर स्कवाच है ना यही होता है आर और एच की वैल्यू निकाल देते हैं इस ट्राइंगल से तो ये ट्राएंगल हमें दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी जो है दिस इज अवर राइट एंगल ट्राएंगल अब ये एंगल ऊपर की तरफ होने की वजह से जो बी सी है वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा ए सी जो है वो हमारा हाईपरटनस है और ए जो है वो हमारा बेस है है ना अगर इस ट्रैंगल को हम इस तरह से करके देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये बी है ये हमारा ए है और ये हमारा सी है तो देखो बी सी क्या बन गया आपका बेस बी ए क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर और सी ए जो है वो हाईपरट्यूनस बन गया है ना तो अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और एच और आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है आपका परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर आर और हाइपोटेनस है आपका एल तो यहाँ पर आ गया एल साइन थीटा ये आ गई आपकी आर की वैल्यू ऐसे ही हम लिखेंगे कॉस थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस क्या है आपका एच है और हाइपोटिनस क्या है आपका एल है ठीक है तो एच क्या आ गया आपका एल cos थीटा ओके L और R की हमारे पास R और H की वैल्यू आ गई L की टर्म्स में तो यहाँ हम पुट कर देते हैं सो वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी दैट इज़ L साइन थीटा का होल स्क्वायर और साथ में L cos थीटा ओके इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं वन बाय थ्री पाई L स्क्वायर साइन स्क्वेयर साथ में एल कॉस थीटा ओके अब यहाँ पर एल स्क्र है और यहाँ पर एल है ठीक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एल क्यूब बन जाएगा साइन स्क्र थीटा बन जाएगा और साथ में कॉस थीटा बन जाएगा तो ये आ गया मेरा सिम्प्लीफाइड वी आ गया अब हमें क्या करना है इसको डिफरेंशियट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये जो पाई एल क्यूब बाई थ्री है ये हमारा तो कांस्टेंट हो गया हमें कर, किसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू तो थीटा तो हमारे पास अंदर बचा रह गया साइंस स्क्वे थीटा और साथ में कॉस थीटा अब साइंस स्क्र थीटा भी एक फंक्शन है कॉस थीटा भी एक फंक्शन है यू वी रूल लगाएंगे ठीक है तो यू वी रूल क्या कहता है यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज सो डी बाई डी थीटा ऑफ यू का डेरिवेटिव साइंस स्क्वेयर थीटा साथ में कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा देन साइंस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ तो डिफ्रेंशिएट करते हैं पाई एल क्यू बाय थ्री तो ये कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा डिफरेंशिएट करने पे आएगा टू साइन थीटा साइन थीटा का अलग से क्या आ जाएगा कॉस थीटा इन टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साथ में साइन स्क्वेर थीटा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पाई एल क्यू बाई थ्री अंदर आ जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा कॉज स्क्वेयर थीटा ठीक है माइनस साइन क्यूब थीटा ठीक है अब डी वी बाई डी थीटा आ गया अब डी वी बाई डी थीटा को क्या पुट कर दो ज़ीरो पुट कर दो जीरो पुट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट उधर जाके जीरो ही हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा टू साइन थीटा कोज स्क्वेयर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो क्या करो हमारा टू इधर रहने दो बाकी सारी जो टू ये वाला टर्म है इधर रहने दो बाकी को उधर ले जाओ टू साइन स्क्वायर साइन थीटा को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अब साइन थीटा को स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इन टू कोज स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा एक साइन थीटा से कट गया तो मेरे पास बचा यहाँ पर साइन स्क्वायेर थीटा को स्क्वायर थीटा ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा बचा मेरे पास यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा ओके अब हम इसका टैन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं वो आ गया अंडर रूट टू अगर टैन को मैं इधर ले जाऊँ सो दिस विल बिकम टैन इनवर्स अंडर रूट टू तो यहाँ तक आंसर तो हमारा आ चुका है बट हम यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम भी तो प्रूव करना है तो वो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव इसका करना पड़ेगा तो डबल डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वेयर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर करना पड़ेगा वो किसका करने पड़ेगा इसका क्योंकि ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव का आंसर था तो इसके लिए जो पाई एल क्यूब बाय थ्री है वो हमारा कॉन्स्टेंट ही रहेगा हमें फिर से डी बाई डी थीटा करना है किसकी टू साइन थीटा कॉज स्क्वेयर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का ये इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो पाई एल क्यूब बाई थ्री अब हमें ये जो टू है वो कांस्टेंट है फिर से तो टू को मैं बाहर ले लेती हूँ साइन थीटा कोज स्क्वायर थीटा फिर से यू वी रूल लगेगा यहाँ पर यू वी रूल के लिए क्या करना होता है यू का डेरिवेटिव यानी कि साइन थीटा का डेरिवेटिव और कॉज स्क्वायर थीटा एज दिस प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉज स्क्वायर थीटा v का डेरिवेटिव और u को एज इट इज ये टू जो है वो इन दोनों के आगे है और ये जो कॉन्स्टेंट है वो सबके आगे है माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा अगर आप डेरीवेश डेरीवेटिव जब निकालते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना तो आंसर जल्दी आ जाता है पाई एल क्यूब बाई थ्री ये हमने बाहर ले लिया टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साथ में कॉ स्क्वायर थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉ थीटा ये हो जाएगा टू कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा और साथ में साइन थीटा ठीक है और इसका क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा का इसका हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायेयर थीटा और साइन थीटा का अलग से यानी कि कॉस थीटा ओके अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पाई एल क्यूब बाई थ्री तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया टू कोज क्यूब थीटा प्लस ये प्लस की जगह पर हम माइनस ही लिख देंगे प्लस की जगह पर हम माइनस लिख देंगे क्योंकि ये माइनस साइन थीटा है तो ये हो जाएगा टू कोज थीटा और साथ में साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पर ये आ गया माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इन कॉस थीटा राइट right? अब इसको हम अंदर ये जो टू है इसको अंदर ले जाते हैं तो ये मेरे पास बन गया टू कॉस क्यूब थीटा माइनस टू टू ज फोर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है ना राइट right? तो ये आ गया हमारे पास ये दोनों देखो सिमिलर टर्म्स हैं तो ये एड ऑन हो जाएंगी तो मैं इसको एड ऑन कर रही हूँ तो ये मेरे पास सिम्प्लीफाई करके बचेगा पाई एल क्यूब बाय थ्री तो ये मेरे पास आया टू कॉस क्यूब थीटा आप देखो ध्यान से फोर कॉस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा थ्री साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा तो ये बन जाएगा सेवन साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा अब देखो सारी जो टर्म्स हैं या तो आप कॉस थीटा में कर लो या साइन थीटा में कर लो तो मैं यहाँ पे साइंस स्क्र थीटा की वैल्यू पुट करूंगी वो कहाँ से पुट करूँगी यहाँ से ये देखो तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है ना तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा है ना साथ में आ गया कॉस थीटा यहाँ पर आ गया टू कॉस क्यूब थीटा और ये हमारा कॉन्स्टेंट बार ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर दो पाई एल क्यूब बाई थ्री टू कोज क्यूब थीटा फोर्टीन कोज क्यूब थीटा है ना तो ये आ जाएगा माइनस ट्वेल्व कॉज क्यूब थीटा पाई एल क्यूब बाई थ्री ठीक है थ्री वन जा थ्री फोर ज़ा सो ये आ जाएगा माइनस फोर पाई एल क्यूब कॉज क्यूब थीटा है ना तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी कि लेस देन ज़ीरो है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है दैट इज़ लेस देन जीरो यानी कि वॉल्यूम जो है इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स अंडर रूट टू ठीक है तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन यहाँ पर भी सेमी वर्टिकल एंगल है जिसको मैंने थीटा सपोज किया है कोन की बात की गई है गिवन सरफेस एरिया यहाँ पर सरफेस एरिया भी लिया गया है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम करना है उसका और उसकी जो थीटा की वैल्यू है वो ये आनी चाहिए तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें प्रूव करना है कि थीटा जो है दैट इज साइन इनवर्स वन बाई थ्री के इक्वल है ओके okay? तो यहाँ पर मैंने देखो कोन बना दिया है एल ली है स्लैंड हाइट एच लिया है हाइट ऑफ द कोन आर लिया है रेडियस ऑफ द कोन थीटा लिया है semi-vertical एंगल ऑफ द कोन जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था सेम टू सेम यहाँ पर भी लिख लेना है यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ क्या है सिर्फ एक सरफेस एरिया है तो उसी को यूज़ करेंगे सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल ठीक है तो यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल रही हूँ जो कि मेरे काम आएगी ठीक है तो मैंने यहाँ से एल की वैल्यू निकाल ली इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिया तो यहाँ पर जो प्रूव करना है इसको थोड़ा सा हम सिम्प्लीफाई करके लिखते हैं अगर मैं साइन को इधर ले आऊँ तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू वन बाई थ्री ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो साइन थीटा जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरट्यूनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा रेडियस है यहाँ पर और हाइपरट्यूनस क्या है यहाँ पर हमारा स्लैंड हाइट है तो यानी कि वन बाय थ्री की जगह पर हम आर बाय एल बी लिख सकते हैं है ना साइन थीटा की वैल्यू आर बाय एल ये हमारे बाद में काम आएगी इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में निकाल कर रख लिया है अब हम लेते हैं हमारा वॉल्यूम हमें वॉल्यूम को ही तो मैक्सिमाइज करना है सो वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर एच अब एच को भी यहाँ पर एल की टर्म्स में कैसे लिखेंगे तो हमारा एल स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना इस पैथोग्रस थी मैंने लगा दी अब यहाँ पर अगर मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी और अगर एच की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो कि मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मेरे पास L की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ R ये निकाली थी मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वो भी यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी वन बाई थ्री पाई आर स्क्वा रूट के अंदर ये सारी वैल्यू आएगी s माइनस पाई आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई आर और इसका भी होल स्क्वायर ठीक है तो डरना नहीं है इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगी आपको तो देखो सारी इक्वेशन जो है वो मैंने आर की टर्म्स में निकाल दी है ताकि मुझे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो चलिए नेक्स्ट स्टेप समझिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसको हम पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर हो गया ठीक है अब रूट के अंदर पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो रूट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसका होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं एस माइनस पाई आर स्क्वायेर का होल स्क्वायर ठीक है और साथ में नीचे का होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे वन बाई थ्री पाई आर का बार आ गया और इसका हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या है पाई स्क्वायर आर स्क्वा यही एलसीएम है इसका तो यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा एस माइनस पाई आर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आर स्क्वाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ले लिया मैंने ये स्टेप क्लियर हो गया नेक्स्ट वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर अब हम इसको अंदर क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं मतलब ये होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं एस का स्क्वायर हो गया पाई का स्क्वायर हो गया आर की पावर फोर हो गई ये प्लस आ गया यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे ना टू एस पाई आर स्क्वायर ठीक है इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई की पावर टू आर की पावर फोर ठीक है तो क्योंकि काफ़ी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल ही हो जाएंगी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अब देखो ये वाली टर्म ये वाली टर्म से क्या हो गई कैंसिल हो गई अब हमारे पास क्या बचा वो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं V इज़ इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है तो देखो यहाँ पर बचा मेरे पास एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर तो मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि ये पाई स्क्वायेर आर स्क्वायर है तो ये हमारे पास बाहर आ सकता है पाई आर अंदर रह जाएगा सिर्फ एस स्क्वायेर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया आर से आर कैंसिल हो गया तो सिंपल रह गया वन बाई थ्री आर एस स्क्वेयर माइनस टू एस बाई आर स्क्वेयर ठीक है अब यहाँ पर आर जो है इसको हमें अंदर लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि वन बाई थ्री तो कांस्टेंट है बट आर एक कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम अंदर ले जाते हैं अब अगर अंदर लेकर जाना है तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर है ना बाहर आता है तो सिंगल रह जाता है अंदर आ जाता है तो डबल हो जाता है से स्टेप समझ में आया टू एस बाई आर स्क्वेयर तो ये देखो मैं इसको अंदर लेकर चली गई थी अब मेरे पास सिर्फ़ वन बाई थ्री बाहर है और इसको अंदर मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एस स्क्वायेर माइनस टू एस पाई आर की पावर फोर ठीक है ये मेरा आ गया फाइनल वी जिसकी मुझे डिफ्रेंसीशन करनी है बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की फिर से प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती हूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बन जाएगा ये वन बाई नाइन हो जाएगा आर स्क्र एस स्क्वायेर माइनस टू एस बाई आर की पावर फोर ये मेरे पास वी स्क्वायर बनकर आ गया ओके अब मैं वी स्क्वायर को ना जेड सपोज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो यानी कि जेड की डिफ्रेंसीशन करनी है मुझे विद रिस्पेक्ट टू तो अब आर क्लियर है यहाँ पर यानी कि डी जेड बाई डी आर निकालना है तो वन बाय नाइन तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको पहली बार लिख लेती हूँ तो डी बाई डी आर करना है मुझे आर स्क्वायर एस माइनस टू एस पाई आर की पावर फोर का ठीक है ये इसकी मुझे डिफ्रेंसीशन करनी है तो डिफ्रेंसीशन करो वन बाय नाइन यहाँ पर आ गया आ एस स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी टू आर हो जाएगी टू एस पाई जो है वो कॉमन है और आर की पावर फोर की क्या हो जाएगी फोर आर की पावर थ्री ठीक है ये आ गया मेरे पास तो ये मैं इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ एस स्क्वेयर या टू एस स्क्वेयर आर माइनस टू एस पाई फोर आर क्यूब टू इंटू फोर भी कर लेते हैं यहाँ पर एट हो जाएगा एट एस पाई आर क्यूब ठीक है ये सिंप्लीफिकेशन हो गई अब इसको हम पुट करेंगे जीरो के इक्वल तो वन बाय नाइन उधर जाके जीरो हो जाएगा तो मेरे पास सिंपल टर्म्स में बच गया टू एस स्क्वायर आर माइनस एट एस पाई आर क्यूब इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठीक है टू एस स्क्वायर आर इज़ इक्वल टू एट एस पाई आर क्यूब है ना अब यहाँ पर एक एस एक एस से कट गया और एक आर एक आर से कट गया तो यहाँ से बचा टू एस बचा मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास बचा एट देन पाई देन आर स्क्वायर और टू और एट भी कट जाएंगे तो s की वैल्यू आ रही है यहाँ पर सिंपल फोर पाई आर स्क्वायर तो अब एस की वैल्यू आ गई है फोर पाई आर स्क्वायर अब मुझे इसका करना है डबल डेरिवेटिव तो डबल डेरिवेटिव किसका करना है इसका करना है आपको मैंने जिसको यहाँ पर बॉक्स में डाला है तो ये यह मैंने यहाँ पर लिख दिया है टू आर एस स्क्वायेयर माइनस एट एस पाई आर क्यूब वन बाई नाइन कॉन्सटेंट है तो यहाँ पर टू एस स्क्वायर कॉन्सटेंट है बार आ जाएगा आर की हो जाएगी वन यहाँ पर एट एस पाई कॉन्सटेंट है थ्री आर स्क्वायर आ गया इसका ठीक है तो ये आ गया वन बाई नाइन टू एस स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एस पाई आर स्क्वा ठीक है अब यहाँ पर s की वैल्यू कितनी निकली थी फोर पाई आर स्क्वायर वो यहाँ पर पुट कर दीजिए वो यहाँ पर जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगी टू इंटू फोर पाई आर का होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर फोर पाई आर स्क्वा इंटू पाई आर स्क्वा ठीक है इसको सिंप्लीफाई करके लिखो टू इंटू ये हो जाएगा सिक्सटीन पाई स्क्वायर आर की पावर फोर ट्वेंटी फोर इंटू फोर नाइनटी सिक्स दैट इज़ पाई स्क्वायर आर की पावर फोर इसको एक और स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं थर्टी टू पाई स्क्वायर आर की पावर फोर नाइन्टी सिक्स पाई की स्क्वायर आर की पावर फोर वन बाई नाइन थर्टी टू माइनस नाइन्टी सिक्स ये हो जाएगा माइनस सिक्सटी फोर पाई स्क्वेयर आर की पावर फोर तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी कि वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है यही तो हमें प्रूव करना होता है सो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम व्हेन एस इज इक्वल्स टू फोर पाई आर स्क्वेयर ठीक है एक चीज़ तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दी बट हमें यहाँ पर क्या लेकर आना था वो लेकर आना था साइन इनवर्स वन बाई थ्री यानी कि थीटा की वैल्यू इतनी है ठीक है चलिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा था हमने सबसे पहले पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायेर ठीक है एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए फोर पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आर पाई आर स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया तो बचा कितना थ्री पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर पाई से पाई मैं कैंसिल कर देती हूँ एक आर से एक आर कैंसिल कर देती हूँ तो थ्री आर इज इक्वल टू एल रह गया अब यहाँ से r बाय एल हो गया और ये थ्री को मैं उधर ले जाऊँगी तो वन बाय थ्री हो गया अब r बाय एल की वैल्यू मैंने निकाली थी याद करो ये देखो मैंने निकाली हुई है r बाय एल की वैल्यू क्या है साइन थीटा है तो मैं यहाँ पर साइन थीटा पुट कर देती हूँ सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय थ्री थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन बाय थ्री हैंस प्रूफ तो इस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को प्रूव करना है नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो ये सारे एम सी क्यूज हैं आसान हैं क्वेश्चन तो देखिए कैसे करने हैं द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू वाई विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट जीरो कॉमा फाइव तो आपको एक कर्व का पॉइंट दिया हुआ है जो कि इस पॉइंट के नियरेस्ट है तो हम ऑप्शन से ही सारा कुछ चेक कर लेंगे तो नंबर वन ऑप्शन जो है वो गिवन है टू अंडर रूट टू कामा फोर तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर टू अंडर रूट टू पुट करूँगी ठीक है तो मेरे पास कर्व की जो इक्वेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई तो एक्स का स्क्वायर करा टू टू का स्क् टू का स्क्वायर फोर फोर इंटू रूट टू का स्क्वायर टू तो ये हो गया एट यानी कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आ रही है एट राइट हैंड साइड अगर निकाल के देखें तो टू इंटू फोर कितना हो गया एट तो ये जो पॉइंट है वो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है ओके okay? तो हमने फाइंड आउट करना है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पर इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि नियरेस्ट कौन है तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो एक पॉइंट मेरे पास ये है एक पॉइंट मेरे पास ये है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए टू अंडर रूट टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये हो गया एट प्लस वन नाइन नाइन का अंडर रूट आ गया थ्री तो पहले जो पार्ट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है थ्री आ रहा है चलिए सेकंड बी पार्ट को चेक कर लेते हैं तो हम इस इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करके देखते हैं तो टू अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो एट आ जाएगा अगर हम ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ पर तो साइड राइट हैंड साइड के इक्वली नहीं है ये पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर बी तो किसी भी हालत में नहीं है ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं जीरो कमा ज़ीरो ऑब्वियसली जीरो का स्क्वायर जीरो होएगा टू इंटू ज़ीरो भी जीरो ही होएगा तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है है ना तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है बट क्या ये नियरेस्ट है तो नियरेस्ट के लिए हम यहाँ पर ज़ीरो जीरो का और ज़ीरो फ़ाइव का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमें अच्छे से पता है कि डिस्टेंस कितना आएगा फ़ाइव आएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला है ना अब मैं लगा कर ना ही बताऊँगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं तो टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा टू इंटू टू करेंगे तो फोर आ जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कर्व को बट क्या ये नियरेस्ट है तो टू कॉमा टू और ज़ीरो कॉमा फाइव के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर तो ये टू का स्क्वायर हो गया फोर टू माइनस फाइव का माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन सो so, ये हो गया रूट थर्टीन तो देखो रूट थर्टीन फाइव और थ्री तो सबसे नियरेस्ट कौन है थ्री है ठीक है ना तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है ओके मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ तो हमें इस एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है सो वॉट इज एफ एक्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो हम इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे इसका सो डी बाई डी एक्स करना है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है तो हमें कौन सा रूल लगाना है क्वेश्चन रूल क्वेश्चन रूल क्या कहता है u का डेरिवेटिव v एज इट इज v का डेरिवेटिव u एज इट इज डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर चलिए लगा लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है और वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस डी बाई डी एक्स करेंगे वी का वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और v का स्क्वायर करना है यानी कि वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वन जीरो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा प्लस टू एक्स ठीक है और साथ में वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायेर एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे वन का जीरो x का वन और एक्स स्क्वायर का टू एक्स ठीक है और साथ में वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायेर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायेर का होल स्क्वायर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन प्लस टू एक्स है यहाँ पर ठीक है और माइनस वन प्लस टू एक्स है और साथ में वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ पर भी है वन प्लस टू एक्स है और यहाँ पर है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है तो अब टर्म्स कैंसिल करने के लिए हमें इसको ब्रैकेट्स को क्या करना पड़ेगा ओपन करना पड़ेगा कि ये टर्म्स को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है ठीक है और हम इसको ओपन कर दिए हैं ब्रैकेट्स हम इसको अब कैंसिल करेंगे जो जो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायेयर है माइनस एक्स स्क्वायर ये नहीं कैंसिल होंगे टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो रहे हैं देन हमारे पास टू एक्स क्यूब है और टू एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है तो बाकी की टर्म्स को हम लिख लेते हैं माइनस वन और साथ में माइनस वन माइनस टू हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायेर हो गया और साथ में ये फोर एक्स हो गया प्लस का ठीक है तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायेर का होल स्क्वायर ठीक है ये आ गया मेरे पास हमारा एफ डैश एक्स इसको पुट करेंगे हम अब जीरो तो इसको करेंगे अगर इधर मल्टीप्लाई जीरो के साथ तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी सो माइनस टू माइनस टू एक्स स्क्वायेयर प्लस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया ज़ीरो फोर एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर गए ये हो जाएंगे हमारे पास टू एक्स पॉजिटिव के टू एक्स जो है वो टू के बराबर आ गया एक्स स्क्वायर वन के इक्वल एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं तो चेक कर लेते हैं किस पे हमारी मिनिमम वैल्यू बन रही है तो एक्स की अगर वैल्यू वन है तो एफ़ ऑफ एक्स में पुट करके देखेंगे तो ये था हमारा एफ़ ऑफ एक्स है ना यहाँ पुट करके देखो वन वैल्यू वन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन प्लस वन ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री माइनस वन पुट करके देखो वन माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है वन प्लस माइनस वन तो ये हो जाएगा वन तो वन प्लस वन प्लस वन ये हो गया थ्री ये हो जाएगा वन तो ये हो गया थ्री तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है वन बाई थ्री आ रही है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ एक्सरसाइज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ तो यहाँ पर एफ ऑफ फैक्स जो गिवन है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है पिछले में मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो ये मेरे पास है x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन की पावर वन बाई थ्री ये एफ ऑफ फैक्स गिवन है इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करके मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाल लूँगी है ना ये मेरा सिंगल एफ ऑफ फैक्स हो गया सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश एक्स करना है मुझे इसका d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की होल पावर वन बाई थ्री एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला याद है ना आपको तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है एन एक्स एन माइनस वन यही होगा वन बाई थ्री आगे आ गया जाएगा एक्स स्क्वायेयर माइनस एक्स प्लस वन और इसकी पावर माइनस वन बाय थ्री माइनस वन हो गया अब ये सिंपल x नहीं था तो इसका डेरिवेटिव हम अलग से करेंगे ओके सो so, ये आ गया वन बाई थ्री ठीक है ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू बाई थ्री इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स आएगा और माइनस वन आएगा ओके अब यहाँ पर वन बाई थ्री वन बाई थ्री अगर मैं इसको नीचे लेके जाना चाहूँ तो नीचे लेके जा सकती हूँ ना एक्स स्क्वायेयर माइनस एक्स प्लस वन और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी ऊपर रह गया मेरे पास टू एक्स माइनस वन अब इसको हमने पुट करना है जीरो एफ़ डैश एक्स को ज़ीरो पुट कर दिया तो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो मेरे पास सिर्फ बचा टू एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू है ना और एक और चीज़ गिवन थी कि यहाँ पर एक्स जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है तो यहाँ पर देखो इक्वल टू है तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ज़ीरो है यहाँ पर वन बाई टू आ गया और यहाँ पर वन आ गया अब हम हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी है ए, वन बाई टू एंड पॉइंट्स भी हैं जीरो और वन तो हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं तो चलिए जीरो पे चेक करेंगे वन बाई टू पर चेक करेंगे और वन पे चेक करेंगे वैल्यूज़ ऑफ़ एफ ऑफ एक्स की ठीक है तो एफ़ ऑफ जीरो सबसे पहले चेक करते हैं एफ ऑफ जीरो चेक करेंगे जीरो इंटू ज़ीरो माइनस वन प्लस वन की पावर वन बाई थ्री ठीक है तो ये हो जाएगा वन की पावर वन बाई थ्री तो ये हो जाएगा वन ही आ जाएगा वन बाई टू पे चेक करेंगे सो वन बाई टू पे चेक करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा तो वन बाय टू माइनस वन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा और उसकी होल पावर वन बाई थ्री हो जाएगी सो वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू दिस विल बी माइनस वन बाई फोर प्लस वन की पावर वन बाई थ्री तो दिस विल बी थ्री बाई फोर की पावर वन बाई थ्री क्लियर है एफ ऑफ वन पे चेक करेंगे एफ ऑफ वन पे चेक करेंगे वन इंटू वन माइनस वन प्लस वन की होल पावर वन बाय थ्री वन इंटू जीरो 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 प्लस वन 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 की पावर वन बाई थ्री डैट इज इक्वल्स टू वन तो देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एंड पॉइंट्स पे है जीरो पे भी है और वन पे भी है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है